हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आज हम कवर करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए स्कीम्स। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की स्कीम्स भी हमने कवर की है। तो देखिए, अब आप मुझे बताइए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस की बात करें तो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहाँ पे हर चीज ऑर्गेनाइज होती है, वहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, राइट। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए निकाली गई थी, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिलती है। आज हम जो स्कीम्स कवर करने वाले हैं, ये स्कीम वैसे तो 2015 में लॉन्च हुई थी, 15 में लॉन्च हुई और अब है हमारा 2023, तो इसे 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। इनफैक्ट इन स्कीम से क्वेश्चंस भी आ रखे हैं यूपीएससी में, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि दोबारा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को हम नहीं छोड़ सकते, राइट। अब देखिए यहाँ पे बेसिक जो पर्पस है वो क्या है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है कंट्री के, उनको फाइनेंशियली सिक्योर करना और साथ में उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। कोई भी अनहोनी हो जाती है, घटना हो जाती है, तो वहां पर वो बेबस ना हो, लाचार ना हो, राइट। तो इसीलिए सरकार जो है बहुत ही कम कीमतों पर ये जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड कराती है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। दो इंश्योरेंस स्कीम जो है 2015 में उसे लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये इंश्योरेंस स्कीम है। एक और इंट्रोड्यूस किया है अटल पेंशन योजना। अब पेंशन से समझ आ रहा होगा, पेंशन के लिए है ये, और ये ओल्ड एज के लिए है। जब भी 60 साल के बाद इंसान का शरीर जो है वो सही सेम नहीं रहता है, उसको जरूरत होती है फाइनेंशियली, और इसीलिए ये स्कीम को निकाला गया है कि आप कंट्रीब्यूट करो और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो स्कीम्स है ये लॉन्च की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर 2015 में, और कहाँ से लॉन्च की उन्होंने, तो वेस्ट बंगाल से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। तो लॉन्च हुई थी 2015 में, ये 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। देखिए एग्जाम में जो जो पॉइंट से सवाल आएंगे वो सब हाइलाइटेड है यहाँ पे। 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ये, ठीक है, और ये रिन्यू होगी, रिन्यूएबल है ये, ठीक है, ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीन चीजें पता चली, रिन्यूएबल है, हर एक साल में आपको रिन्यू कराना होगा, 1 ईयर का इंश्योरेंस है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है एक दूसरे से मेल खाते हैं, मिलते हैं। कवरेज कहाँ मिलेगी, किस लिए मिलेगी कवरेज, यहाँ पे डेथ पे मिलती है और कोई भी रीजन पे नहीं, ठीक है। अब ये स्कीम है एडमिनिस्टर कैसे होती है, थ्रू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, दोनों इंश्योरेंस कंपनी इसमें एडमिनिस्टर करेंगी। टाई अप होगा यहाँ पे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक्स का एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का। गवर्नमेंट जो है जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज जो है लोगों के पास नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, तो यहाँ पे एक जो है लूप होल दिखा कि हमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, इसीलिए ये यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है इंश्योरेंस के ऊपर, वो सभी लोगों के लिए जिनके पास कवरेज नहीं था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करोड़ों लोगों को इसमें कवर कर लिया गया है ऑलरेडी, 8 साल हो चुके। अब टारगेट क्या था, तो पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनको कवर करना था। देखिए सरकार ने यहाँ पे इंश्योरेंस तो प्रोवाइड कराया है, एक और यहाँ पे एक और स्टेप उठाया गया था सरकार द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो आप मुझे बताइए वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो सरकार ने कैसे किया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम एक और ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है जो है स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस भी आती है, इंश्योरेंस इंक्लूसिवनेस भी आएगी, है ना, ठीक है, सबका साथ सबके विकास के मोटो को आगे लेकर ये जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले, एज ग्रुप क्या होना चाहिए 18 से 50 के बीच में, और उसके पास जनधन अकाउंट और सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए विद आधार, जनधन और सेविंग्स बैंक अकाउंट विद आधार कार्ड, ठीक है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी है फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑन कंसेंट, कंसेंट पर, ठीक है। बेनिफिट 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा ऑन डेथ, ये डेथ के लिए है, जीवन ज्योति योजना, ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी कॉज हो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा आफ्टर डेथ। प्रीमियम 436 हर एक साल पे। अगली जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब देखते हैं ये डेथ पे है या किस चीज को कवर करता है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, 2015 में लॉन्च की गई है,
इंटेंड्स टू प्रोवाइड एन अफोर्डेबल इंश्योरेंस। यहाँ पर भी अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम है ये जो प्रोवाइड कराई जाएगी पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड को। ठीक है, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी देगी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज ग्रुप क्या है 18 से 70 के बीच में होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हैविंग जनधन और सेविंग बैंक अकाउंट विद आधार। ओके, नाउ ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी, काफी सिमिलर है, दोनों इंश्योरेंस स्कीम्स है इसीलिए। अब देखिए बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या कवर करता है, जीवन ज्योति योजना जो है वो सिर्फ डेथ को कवर कर रही थी, राइट, वो डेथ को कवर कर रही थी, यहाँ पे दो चीजें कवर हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है। तो अगर कोई कंपैरिजन पूछ लिया जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है और सिंपल कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना यूएसपी है यूपीएससी की, तो इसीलिए हर चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको 1,00,000 मिलता है और प्रीमियम क्या है 20 रुपए हर साल पे। ठीक है, 2,00,000 एक्सीडेंटल डेथ के लिए मिलता है। ओके, अब देखिए एक और चीज है काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए हाईलाइट किया गया है, नेचुरल कैलामिटीज को भी कवर किया गया है। यहाँ पर कोई भी डेथ होती है, मर्डर होता है, डिसेबिलिटी होती है नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, तो इसके अंडर आएगा ये। अटल पेंशन योजना, अब ये कवर करेंगे हम, क्योंकि जो इंश्योरेंस स्कीम थी हमारी वो हमने कवर कर ली है, ये हमारा पेंशन स्कीम है जो ओल्ड एज लोगों के लिए है, फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये एक फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसे लॉन्च किया गया है 9 मई 2015 को। विद व्हाट ऑब्जेक्टिव, तो एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑल इंडियंस इसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, यूनिवर्सल एक ही जैसा रहेगा सबके लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर पुअर अंडर प्रिविलेज्ड एंड द पीपल वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसके जो भी कंडीशन है उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं अब, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसे एडमिनिस्टर करेगी थ्रू नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो लाई गई थी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अब इसके थ्रू ही इसको भी एडमिनिस्टर किया जाएगा PFRDA द्वारा। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो भी कंट्रीब्यूशन किए जाएंगे अटल पेंशन योजना के लिए वो एलिजिबल होगा फॉर टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मिलेगा जैसा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में मिलता आया है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 से 40 होना चाहिए एज। अब देखिए सुरक्षा बीमा योजना जो है उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, और हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसकी एलिजिबिलिटी याद करिए और कमेंट में बताइए मुझे बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए कॉन्ट्रीब्यूटर जो है अपनी चॉइस पे, इसे हाईलाइट इसीलिए किया गया है कि क्या अगर मस्त लगा दिया जाए या फिर शुड लगा दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चॉइस है कॉन्ट्रीब्यूटर के पास कि वो चूज कर सकता है, या तो वो पेंशन ले 1,000-5,000 की, या फिर एक साथ एक्यूमुलेटेड सम जो है जमा किया हुआ राशि जो है वो ले आफ्टर हिज डेथ। तो दो ऑप्शन है, या तो जीवन काल में ही ले ले, या फिर डेथ के बाद वो ऑप्ट करे कि मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को जो है वो दे दिया जाए, नॉमिनी जो है उसको दे दिया जाए। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो उसके स्पाउस को दिया जाएगा, और अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब हम दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ओके, और यहाँ पे इसका काम क्या है, टू रेगुलेट प्रमोट एंड एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ, एक ऑर्डर से ग्रोथ हो, ठीक है, ये इसका है, ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये इसके अंडर काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। अब देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम ये क्या है, तो ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी पेंशन होता है वो देखा जाता है। अब जो है इसके अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी पेंशन फंड्स लेकर आए जा रहे हैं, पेंशन स्कीम्स लेकर आई जा रही हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मुझे डिफरेंस आप कमेंट करके बताइए क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। ये कब लॉन्च की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही था। ओके, बाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें भी इसके अंडर ला दिया गया है। एनी इंडिविजुअल, अब जो है कोई भी इंसान जो है बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट
एज ग्रुप क्या है 18 से 65, वो ज्वाइन कर सकता है नेशनल पेंशन स्कीम। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, अटल पेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आपका टेस्ट भी हो रहा है, आप देखिए क्या ये मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम है मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। सेकंड है ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। तो यहाँ पे आप मुझे आंसर दीजिए और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।